तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप? फिर एक नई वीडियो के साथ में आ चुका है तुम्हारा भाई और हर हर महादेव। तो भाई आज का जो सीन है ना वो हमारा ऐसा है, यहाँ से मुरादाबाद तो हम जाते ही जाते हैं, वो आपको लोगों को सबको अच्छी तरीके से पता है क्योंकि हमारे जो दोस्त हैं वो सब रहते ही उधर है। तो आज भी हम मुरादाबाद ही जा रहे हैं, पर आज का जो सीन है ना राइट के साथ में आज है हमारा मीटअप। और मीटअप जो है ना हमने काफ़ी टाइम बाद रखा है, एक मीटअप अभी रखा था जो कि बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो चुका था, इतने ज़्यादा लोग आ चुके थे बहुत ज़्यादा। पर इस वाला जो ये मीटअप है ना इस बारे में हमने ज़्यादातर लोगों को बताया नहीं, खाली हाइट है। तो जितने लोगों को हमने इन्फॉर्म किया है खाली उतने ही लोग आने वाले हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। आपके 3:30 हो चुके हैं तो आधा घंटा आपको भी पता है कि हमें लग ही जाता है पहुँचने में, तो बहुत ज़्यादा जल्दी करते हैं। और सारी बातें जो है ना वो अभी करते हैं हम अपनी बाइक पर जाके। बस एक छोटी सी चीज़ और करानी है, कल यार कल की राइड पर ना एक बंदे ने हमारी है ना नंबर प्लेट तोड़ दी है, तो उसको पंच कराना है, फिर उसके बाद में निकलेंगे। और कवर में से निकलने लगा ये। तो हाँ जी, अभी हमने अपनी नंबर प्लेट जो है वो भी भाई करा ली और अपनी शेरनी के अंदर तेल भी पड़वा लिया है, इसका जो पेट है ना बिल्कुल फुल ऊपर तक कर दिया है। अब बस गाड़ी थोड़ी देर भगाते हैं जल्दी जल्दी, क्योंकि अभी जो है ना 3:50 हो चुके हैं और 4 तक हमें यार मिलना है, क्योंकि हमेशा ना मैं लेट हो जाता हूँ और मुझे ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है कि लोग ना मेरे इंतज़ार में फिर बैठे हुए होते हैं, फिर और ज़्यादा टाइम वेस्ट ही हो जाता है यार। मैं ना बहुत देर तक पहुँच पाता हूँ इस वजह से, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट रहता है। और बिना टाइम वेस्ट करे हुए गाड़ी को थोड़ा सा स्पीड में भगाते हैं। तो आज का जो मौसम है ना बहुत ही ज़्यादा प्यारा हो चुका है, बिल्कुल गर्मी नहीं है मौसम के अंदर, क्लाउडली वेदर हो रहा है बिल्कुल। आसमान भी देखो कितना बेहतरीन मस्त वाला फील दे रहा है। तो आज की जो राइड है ना बहुत अच्छी होने वाली है। और हाईवे देखो हमारे सामने कितना ही सुंदर लग रहा है ऐसे। फाइनली गाइस टोल को भी हमने पार कर दिया है, अब ज़रा थोड़ा सा और रह गया है यहाँ से बस। वैसे आज राइड करने में पता है बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है क्योंकि ठंडी हवा आ रही है, इसी वजह से मैंने अपने ना ग्लव्स भी नहीं पहने, मैंने आज थोड़ा सा फील लेते हुए गाड़ी चलाते हैं यार। भाई मुझे लग रहा है ना यहाँ पे पता है बारिश पड़ी है रोडों पे, पता है पानी का छिड़काव हो रखा है, ऐसा ना हो कि आगे जाके हमें बारिश मिल जाए और पूरी राइड का और मीटअप का है ना सत्यानाश हो जाए कभी यार। क्यों चुके हैं भाई हम दिल्ली हाईवे पे, और ये दिल्ली हाईवे जो है ना मुझे इतना ज़्यादा खूबसूरत लगता है, पता नहीं क्यों इतना खूबसूरत लगता है ये मुझे, और ऊपर से ये सामने का जो वेदर है ना ये और ज़्यादा खूबसूरत लगने लगता है। इस हाईवे पे मेरा मन करता है ना इतनी गाड़ी को ना बिल्कुल रोन दिया जाए, भगा ले लिया जाए बिल्कुल ही तेज़, पर फिर भी थोड़ा बहुत कंट्रोल में हम गाड़ी चलाते हैं यार, इतना ज़्यादा ओवर जाने की ज़रूरत नहीं है। और ये इतनी ज़्यादा जाती भी नहीं है, ये आपकी नॉर्मल जो है ना अब तक मैंने जो टॉप भगा ली है, एक बार मैंने और टॉप चेक किया था वो था आपका 127, अब 127 से मैंने कल दोबारा चेक किया तो लास्ट ये पता है कितनी जाती है 135, पर मैं इतना कह सकता हूँ कि 140 तक जो है ना नॉर्मल जा ही जा सकती है ना, 140 नॉर्मल भगाने वाला बंदा हो तो इसे 140 भी आराम से भगा सकता है बिल्कुल। तो मैं फिर भी है ना इसे ज़्यादा हाई नहीं भगाता यार, मेरे को थोड़ा बहुत ना मैं सेफली चलाना पसंद करता हूँ क्योंकि कुछ नहीं पता यार, हम लोग पता है हम इतनी गाड़ी सही चला रहे हैं, आगे से बंदा गलत चला रहा है ना तो 2 में होता है बस सीन क्रिएट, फिर आपकी फ़ोटो खिंच जाएगी और कुछ नहीं होगा। तो इस वजह से इतनी गाड़ी स्पीड में लेके चलो जितना आपसे कंट्रोल हो जाए, तो मैं उतनी ही चलाता हूँ जितना मुझसे कंट्रोल हो जाए, कोई मेरे को दिखाने का शौक नहीं है बिल्कुल भी, बस ये थोड़े से जो नज़ारे हैं ना इनको थोड़ा सा इंजॉयमेंट करते हुए चलते हैं। तो फाइनली गाइस सारे राइडर हम निकल चुके हैं और अभी जो मौसम है ना यार थोड़ा सा मुझे बिगड़ा सा दिखाई दे रहा है, क्योंकि हम जो है लगभग 4:15 में कैंटीन पे मैं पहुंच गया था, ये जो है हमारा मीटअप पॉइंट है और यहाँ पे हम लोग सब मिलते हैं। आप जा रहे हैं मीटअप के लिए, देखते हैं क्या सीन होता है। छपरी Okay।
तो आज का जो मीटअप है ना वो यार किसी वैसी जगह में नहीं, वो आज किसी गांव में रखा गया है। आसिफ भाई के कुछ सब्सक्राइबर हैं जो कि बहुत टाइम से कह रहे थे कि यार हमारे यहाँ पे भैया आओ आओ मीटअप रखो हमसे मिलो ये और वो, तो आसिफ भाई ने सोचा यार क्यों ना आज वो चीज़ पूरी कर लेनी चाहिए, तो आसिफ भाई ने आज वही कर ली और हम जा रहे हैं उसी जगह पर जो आगे जा रहे हैं, वो हमें लेके जा रहे हैं। कौन सी जगह है यार समझ में नहीं आ रहा, मीटअप है कहाँ पर, जंगलों में मीटअप रख लिया कि आज ऑफ रोड का भी मजा ले लो, मजा आ जाता है भाई ऐसे भी। आसिफ भाई, अरे आसिफ भाई यही मीटअप है क्या? आज आसिफ भाई कह रहे हैं आज सबको खुश करेंगे, सबको खुश किया जाएगा। भाई पहुंच गए क्या? पहुंच गए, पहुंच गए। चलो 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 चलो। अरे धूल उड़ा गए यार हमारे सब्सक्राइबर हमारे लिए हैं, बड़े ही बदतमीज हो, बुला के यार मुंह पे धूल मार रहे हैं। अबे यहाँ तो दारू पी जा रही है, ए सुहेल भाई पीछे तो दारू पी जा रही है। पहुंच गए क्या सुहेल भाई, पहुंच गए क्या? जलवा है भाई, जलवा है, जलवा है। मीट ये सही जगह है यार मीटअप के लिए, हरे हरे खेत हो ले जाओ। तो फाइनली गाइस आ चुके हैं हम अपने मीटअप वाली लोकेशन पे, और लोकेशन देख रहे हो ना मतलब बिल्कुल खुली खुली, और मेरे सामने अभी हो रहा है सनसेट जो कि बहुत प्यारा ऑसम लग रहा है। बाकी यहाँ पे देखो पब्लिक जो है ना बहुत ज़्यादा इकट्ठी हो रखी है। तो भाई फाइनली देखो मीटअप हमारा खत्म हो चुका है जो सब कुछ था, अब सीधे ये ब्लॉग यहाँ ही खत्म। साजन बिन सजनी चांद बिन चांदनी।